अस्सलाम वालेकुम, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी रेसिपी है मूंग की दाल की दही बड़े की। मूंग की दाल की दही बड़ा बनाने के लिए हमने 1.5 कप मूंग की दाल पहले ही भिगो के रख ली थी। अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। मूंग की दाल मैंने ग्राइंड कर ली है। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करूंगी, जिसमें है लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, हींग 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, ज़ीरा 1 टीस्पून, बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। अब इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद अब मैं इसके लिए पानी तैयार करूँगी। पानी मैंने एक जग लिया है, इसके अंदर 1 टीस्पून हींग डालूँगी और इसको मिक्स कर लूँगी। ये पानी हमने इसलिए तैयार किया है ताकि दही बड़े फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर दही बड़े डाल दें, ताकि दही बड़े जो है नरम हो जाए। अब हम दही बड़े फ्राई कर लेंगे। दही बड़े तैयार हो चुके हैं। इसके ऊपर देखें कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। ऑयल में से निकालने के बाद हमने जो पानी तैयार करके रखा था, अब हम इसको उसमें डाल देंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको पानी में ही रहने देंगे। अब हम दही बड़ों के लिए दही तैयार कर लेंगे। दही को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया था। अब एक बाउल में मैं 1 टीस्पून चीनी ऐड कर दूंगी और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर ऐड करूंगी और इसे भी मैं मिक्स कर लूंगी। दूसरे बोल में जो दही है हम उसको ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर हम कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे। अब हम चीज़ों को सैम्बल कर लेंगे। दही बड़ों को मैंने प्रेस करके इसका पानी जो है वो निकाल लिया था। अब मैं इसके अंदर उबले हुए छोले डाल दूंगी। छोले मैंने पहले ही उबाल के रख लिए थे। छोले डालने के बाद अब मैं तैयार की हुई दही डाल दूंगी। दही डालने के बाद अब मैं इसके अंदर मीठी चटनी डालूंगी। मीठी चटनी की रेसिपी का लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगी और इसके ऊपर चाट मसाला ऐड करूंगी। चाट मसाला डालने के बाद इसके ऊपर पापड़ी डाल लूंगी। मज़ेदार से दही बड़े जो हैं तैयार हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।